7 के बाद अब 8 नंबर पे आते हैं, दिया हुआ है 5x प्लस का 7y इक्वल टू माइनस का 2 और है 4x प्लस का 6y माइनस का 3। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, x का कोफिशियंट और y का कोफिशियंट यहाँ कॉलम में दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 माइनस का 28, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं d1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ x का कोफिशियंट हटाकर यहाँ एक कॉन्स्टेंट को लेंगे माइनस 2 माइनस 3 और यहाँ पर ये रहेगा 7 और 6, यानी आ जाएगा माइनस का 2l और प्लस का 21, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 ही ना आएगा। चलिए d2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ x के कोफिशियंट कैसे रखेंगे, y के कोफिशियंट की जगह पे इसको लिख देंगे 5 4 माइनस का 2 माइनस का 3, यानी कि आ जाएगा माइनस 15 और प्लस का 8, यानी माइनस का 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू में d1 बाई में d और y इक्वल टू में d2 बाई में d। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए वैल्यू यहाँ हो जाएगा आपका 9/2 और y का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 7/2। समझ गए क्वेश्चन।